नमस्कार, मेरा नाम अमिता गर्ग है। मैं कोटद्वार से हूँ और मैं आज आप लोगों को एक पॉकेट मास्क के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके अंदर आप कपूर, अजवाइन, लौंग और तुलसी, कुछ गुलाब की पत्तियाँ डाल सकते हैं, जो कि आपको भरपूर ऑक्सीजन देगी। अब आपको पोटली बना के बार बार सूंघने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, जो ये आप घर में मास्क बनाते हैं, इसी में ही आपको एक छोटी सी पॉकेट बनानी है अंदर की साइड। ये देखिए, जैसे कि मैंने इस मास्क को तीन साइड से सिलाई मारा है, एक साइड से खुला रखा है। अब मैं इसे उल्टा करूँगी तो आपको इसके अंदर एक छोटी सी पॉकेट दिखाई देगी। ये देखिए, ये एक छोटी सी पॉकेट बना रखी है और उधर ही से ये ऊपर खुला हुआ है, ये पॉकेट है। ये पॉकेट बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको, जैसे ये जो मास्क के लिए टुकड़ा काटते हैं, हम ये दो पीस काटते हैं, ठीक है। अब आपको एक पीस के ऊपर अंदर की साइड इस तरह से ये पॉकेट लगानी है और इसमें तीन साइड से ऐसे सिलाई लगानी है, एक साइड से हमें ये खुला रखना है, तो ये हमारे मास्क में अंदर से पॉकेट तैयार हो जाएगी, जैसे कि इसमें हो रखी है, ये देखिए। अब हमें इसके अंदर कपूर, नीम, लौंग और ये अजवाइन डालनी है, ठीक है। हमारी पॉकेट के अंदर ये सब चीज़ें देखिए सेट हो गई और इधर ही से मैंने इसे ओपन रखा था। अब इसको मैं पलट दूंगी और जिस साइड हमारी पॉकेट है उधर से इसको पहन लेंगे। बहुत ही आराम से पहना जाएगा और ऑक्सीजन भी हमें पूरी तरह से मिल रही है। कपूर, नीम, लौंग, अजवाइन, तुलसा, सबकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। आप दिन भर इसे पहन सकते हैं। जब आपको इसकी महक कम लगने लगे तो आप इसमें दोबारा से कपूर, लौंग, अजवाइन डाल सकते हैं। आप बच्चों को भी पहनाइए, आपको पोटली की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसे डेली वॉश ज़रूर करिएगा और रोज़ इसे पहनिए। धन्यवाद।